नमस्कार, मेरा नाम है अपराजिता। आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। एक महिला, खास करके महिला की बात आती है, महिला शब्द की आती है बात, अगर फीमेल शब्द की बात आती है तो मातृत्व से की भावना से वो भरपूर होती है और साथ में महिला ही बैठी है और आज उसी मातृत्व शक्ति की बात होगी। ये महिला कोई आम महिला नहीं है, कईयों की माता है, कईयों की बहने हैं और कई लोग इनको जानते हैं। ये जब जाती हैं अपने एरिया में तो दीदी आ गई, माँ आ गई, इस तरह से लोग बिल्कुल इनका स्वागत करते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले इनसे ही बात करते हैं। इनका नाम रीता राज है और ये कई तरह के छोटे छोटे ट्रस्ट चलाती हैं और निशुल्क शिक्षा की बात हो, जो बहुत बेसिक चीज़ है, कैसे जीवन यापन करना है उस चीज़ की बात हो, शिक्षा के साथ वो भी देती है और निःशुल्क भोजन की व्यवस्था ये करती हैं। अब आइए इनसे ही बात करते हैं। ये समाज सेवा का जो गुण है अंदर से झकझोर देता होगा आपको, जब कभी कोई उस तरह की नीडी पीपल आपको दिखते होंगे। कब से इस ये की शुरुआत आपने की? ये शुरुआत हमने कोरोना से की। कोरोना जी, एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड देवघर आए थे तो लौटते समय कुछ कुत्ते लोग गोबर खा रहे थे। अच्छा, उसी से हम दोनों को लगा कि नहीं, कुत्तों के लिए, और उस समय होटल रेस्टोरेंट सब बंद था, तो हम लोगों ने उसी रात से चावल में मुर्गा का जो टंगड़ी होता है येलो कलर का, वो मिला के 5 kg 6 kg बना के अपना कार से पूरा देवघर में घूरते थे। अच्छा, डॉगी लोग के लिए। अच्छा, वही मेरा शुरुआत हुआ। शुरुआत वहीं से हुई कि कुत्ते इतने भूखे हैं, हाँ, जबकि वो सबसे ज्यादा वफादार होते हैं, उनसे ज्यादा प्यारा समझिए जीव कोई नहीं होता है और वो गोबर खा रहे हैं भूख के। उसी समय से मेरा ये शुरुआत हुआ समाज सेवा। अंदर से आपको बिल्कुल लगा कि नहीं, नीडी है लोग। उसके बाद फिर कोरोना का टाइम था तो बहुत तरह का न्यूज आ रहा था, देख रहे थे, तो फिर हम दोनों मिलके स्टेशन गए, देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है रात में, क्या हाल है, क्योंकि स्टेशन पे काफी नीडी पीपल मिलते हैं। तो वहाँ भी जाके सब मजदूर भाई लोग से बात हुआ, उनका कहना था कि दिन भर घूरते हैं, मजदूरी कहीं मिलता नहीं है, कोरोना का टाइम है, कोई सटते नहीं है, हाँ, तो हम लोग भूखे पेट ही सो जाते हैं। तो उसमें भी थोड़ा सा दिल को तकलीफ हुआ कि हम इन लोग के लिए क्या कर सकते हैं, उतना लोगों को तो खिला नहीं सकते थे। लेकिन उस समय फिर हम जसीडी गए, जसीडी स्टेशन, वहाँ थोड़ा लोग थे, 10-15 लोग रहते थे, तो मैं उसी समय से अपना घर में मेरे हस्बैंड आटा सान के देते थे, क्योंकि मुझे उतना आटा सानने नहीं आता था, 4 kg 5 kg वो सानते थे और मैं बेल बेल के उसको बनाती थी, थोड़ा सा रुक रुक के और सब्जी बना के फिर जसीडी स्टेशन से मेरा सफ़र शुरू हुआ लोगों को खिलाने का। तो पहले 10-15-20 लोगों को खिलाने का। तो पहले 10-15-20 जब देखे कि नहीं अब हम कर सकते हैं, मन में जुनून आया कि नहीं हमको कुछ करना है। कहिए कि आपको लत लग गई लोगों को सहयोग करने की, सेवा करने का। तो फिर मैं अपना धीरे धीरे अपने तरफ से जो हमसे बन पड़ा मैं करती गई, करते करते फिर अपना कुछ फ्रेंड लोगों से डिस्कस की तो थोड़ा थोड़ा सहयोग हमको मिलने लगा। उसके बाद अभी तो 100-125 लोगों का खाना डेली पर डे। अच्छा, पर डे सिर्फ जसीडी स्टेशन में, यानी देवघर से आपको बता दूं कुछ ही किलोमीटर पे, 4-5 किलोमीटर पे मेरे ख्याल से पड़ता है ना जसीडी स्टेशन, वहाँ पे इतने 100-150 नीडी पीपल हैं जिनको, जो भूखे पेट रात को सो जाते हैं दिन भर बिना कुछ खाए हुए, वहाँ पे इतने लोग सोचिए पूरे मतलब ऑल ओवर इंडिया में कितने होंगे, सोचने वाली बात है। और अभी कोविड भी नहीं चल रही है। लेकिन किस तरह के लोग हैं वो लोग, क्या कमाने में सक्षम नहीं है? कमाने में सक्षम है। मान लीजिए एक जगह लेबर जग का जब शुरुआत होता है 8 बजे वो लोग जाते हैं, वहाँ कुछ ही लेबर को काम मिलता है, बाकी सब लेबर भूखे घर स्टेशन आ जाते हैं, वो बाहर से आए हुए हैं जिनका ना रहने का ठिकाना है ना खाने का, जब वो 2 रुपया कमाए नहीं तो भोजन कहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ के लोग यहाँ आए हुए हैं देवघर जसीडी? देवघर जसीडी में सब बाहरी लोग हैं, जितने सब बिहार का है आपका, मैंने बाहर का ही सब लेबर मजदूर है, कुछ बूढ़े बुजुर्ग है जिनको बेटा घर से निकाल दिया, कहीं जगह नहीं है, इस टाइप का बूढ़े बुजुर्ग भी है जिनके लिए हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आप एक रानी नाम का स्टेशन में रहती है, वो तो एकदम लगता मेरी माँ है, ऐसे हक जता के कोई भी चीज़ साड़ी दिए, फिर बोली मीट खाना है, कोई बोलती है खीर खाना है, तो जितना
होता है। मतलब स्टेशन के जितनी भी असहाय लोग हैं इस तरह के, सब जो है रीता बेटी हाँ। कहिए या रीता माँ कहिए, उनसे अपनी इच्छाएं बताते हैं, खुलकर बताती है और कोशिश करते हैं कि हम कर सकें, पूरी कर पाए। तो अब लोग धीरे धीरे जुड़ने लगे, कितने लोग जुड़ गए हैं आपके अपने? मेरे समाज से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो अपने मन से हमको सहयोग देते हैं। उनका कहना है कि नहीं, जहां हम सहयोग दे रहे हैं वो सही जगह पर जा रहे हैं। देवघर में पैसे वालों की कमी नहीं है, बहुत पैसे हैं लोगों के पास, लेकिन वो जगह पर जाके उसको सेवा नहीं दे पाते हैं, जो कि मेरे माध्यम से उनका सेवा सफल हो रहा है। आपको बता दूं कि जो मजदूर भाई लोग होते हैं जो बाहर से पलायन करके मान लीजिए किसी राज्य में आए, चाहे झारखंड में आए या बिहार में आए, या यहाँ झारखंड बिहार के कई ऐसे मजदूरों की समस्याएं हमने दिखाई हैं हजारीबाग अपडेट्स के माध्यम से, वो लोग मान लीजिए जाते हैं कहीं और बाहर में, देश क्या विदेश में भी जाते हैं, उन लोगों की क्या हालत होती है, ये आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। अगर रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें तो सड़क के किनारे एक हुजूम लगा होता है मजदूरों का, और वहां से एक या दो या गाड़ी पार होती है, वही जिनको जरूरत है अपने घर के लिए या अपने कंस्ट्रक्टर वगैरह जो होते हैं काम के लिए जरूरत होती है, कुछ मजदूरों को उठाते हैं, लेकिन बाकियों का क्या? बाकी आखिर क्या करने के लिए जाएंगे? आखिर घर घर नॉक करके वो ये तो नहीं पूछेंगे कि आपको कोई काम है क्या मेरे से, वो भूखे रह जाते हैं। पढ़ाने का सिलसिला कहाँ से शुरुआत हुई इसके? पढ़ाने का सिलसिला, जैसे एक गांव है संकरी गांव, तो वहाँ मैं गई थी कोई काम से, गई तो वहाँ का जो बच्चे थे माथा में तेल नहीं, गंदे कपड़े एकदम, मैंने जैसे मैं गई ना तो उन लोग को लगा कि उस समय हम सब किसी को परिचय नहीं था, लेकिन इतना ज़्यादा वो लोग हम मेरे सामने आ गए, खड़े हो गए, तो हमको लगा इतना बच्चे हमसे तो कोई दोस्ती नहीं मोहब्बत नहीं, फिर क्यों इतना सब आ गए, एक उम्मीद से आ गए। हमको देखे तो पता नहीं उन लोग को क्या लगा, तो मैं सबको बिस्कुट खरीद के दी और सब एकदम लगा जैसे मम्मी के साथ से एकदम करने लगे, पूरा खुश। तो मुझे लगा, फिर मैं बातचीत की उन लोगों से पढ़ाई लिखाई का, तो वही सरकारी स्कूल में, फिर उसी समय से मेरा मन में इच्छा हुआ कि नहीं, निशुल्क पढ़ाई सेंटर मुझे खोलना चाहिए। कितने बच्चे हैं, कहाँ कहाँ निशुल्क? जैसे हमारे जो दर्शक हैं मान लीजिए उनके अगर आस पड़ोस में कोई ऐसे बच्चे होंगे हजारी जसीडी या देवघर के आसपास में, कैसे जा सकते हैं वहाँ पे? वहाँ पे जैसे बिशनपुर गाँव है संकरी, वहाँ पर मेरा सेंटर है। अच्छा। वहाँ पूरा गाँव के बच्चे ही वहाँ पढ़ते हैं, आज 4 साल से मेरा वो सेंटर चल रहा है। मेरा टीचर है चांदनी, वो देख रेख करती है, उनका मम्मी देख रेख करती है, और हम कितने बच्चे हैं वहाँ? 100 से ऊपर बच्चे, 100 से ऊपर हाँ। बच्चे, और वहाँ जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं वो भी एकदम बेटी मानते हैं, तो वहाँ मेरा जाना आना एकदम लगा रहता है, जो भी हमसे हुआ दीपावली छठ आपका जो भी मतलब त्यौहार हाँ। से लेके खुशी से लेके गम तक आप उन लोगों के साथ बांटती हैं। अच्छा, दूसरा सेंटर कहाँ है? दूसरा सेंटर है जैसीडी कुंजीसर में है, वहाँ भी 100 बच्चा है, तो वहाँ उसी सेंटर में ही मेरा खाना उना बनता है, जो रोटी सब्जी चलता है वही वहीं पर नीचे खाना बनता है, ऊपर में मेरा सेंटर है, और वहाँ के बच्चे का भी निशुल्क पढ़ाई है, वहाँ आपका कॉपी किताब पेंसिल वगैरह सब बढ़िया रहता है। मतलब ठीक है, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं सरकारी स्कूल में, लेकिन साथ साथ में एक जीवन जीने का जो एक सलीका होता है वो देने के लिए आप निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं कई तरह की, ऐसे बच्चे हैं जिनको ये पता ही नहीं था कि मैं राइम्स बोल सकती हूँ या किसी के सामने गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। मेरे यहाँ कोई भी आते हैं बाहर से, सबसे पहले बच्चे उठ के गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर कुछ मिलने पर, ये सब चीज़ पहले उस समय नहीं था। लेकिन अभी इतना ज़्यादा संस्कार मेरे बच्चों में है, जो आप जाएंगे तो एकदम खुशी से। नहीं, बिल्कुल जाएंगे। हमारी टीम जो है इस बार बहुत कम वक्त के लिए देवघर आई है हजारीबाग से, हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम लोग आए तो जरूर वहाँ विजिट करें और एक एक बच्चों से बात करने की कोशिश हम लोग करेंगे। जब आप जाती हैं उस तरह से बच्चों के पास में, क्या एक एक बच्चों से बात करने की कोशिश हम लोग करेंगे? जब आप जाती हैं उस तरह से बच्चों के पास में, क्या उन लोगों का ये रहता है, या स्टेशन में जब वैसे 100-150 लोगों के पास में जाती हैं, कैसे वो लोग वेलकम करते हैं आपका? जैसे स्टेशन में मैं कभी कार से जाती हूँ हाँ। या फिर कभी ड्राइवर नहीं रहता तो टोटो से जाती हूँ हाँ। मेरा टोटो वहाँ लगा हाँ। मैंने बुलाना नहीं पड़ता है हाँ। टोटल भाई आ जाते हैं हाँ। कि अब खाना उतरना है हाँ। दीदी आ गई खाना आ गया, पूरा खुश। फिर अपने से वो लोग सब्जी रोटी निकालते हैं हाँ। या कभी बहुत सारा आइटम रहता है
तो एकदम खुशी से अपने बैठ जाएंगे, पत्तल लगाएंगे, दूसरे को सर्व करेंगे, लगता है जैसे अपना परिवार, अपना माँ अपना बहन आई है, जैसे या तो किसी का बर्थडे है या एंगेजमेंट है, कुछ इस तरह हम लोग कर रहे हैं इस टाइप का। कभी कभी तो मैं भी वहाँ खाना खाती हूँ, मैं बहुत बार उन लोग के साथ खाना खाई तो अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता। कभी कभी अपने इस घर में खाती है, कभी कभी उस घर में खाती। और क्या जैसे इस तरह के लोग हैं, मान लीजिए जुड़ना चाहें आपसे, आपको जैसे चेहरा आपका है, कई लोग हैं देवघर के, जसीडी के, या मान लीजिए आसपास के, कैसे आपको वो चीज़ सपोर्ट करेंगे कि आप दूसरों तक वो चीज़ पहुंचा सकें, कैसे सपोर्ट करेंगे? क्या ट्रस्ट का कुछ नाम है या कुछ? मेरे ट्रस्ट का नाम है डोनेट फॉर पुअर ट्रस्ट है। अच्छा, डोनेट फॉर पुअर, डोनेट फॉर पुअर रोटी बैंक है। इसमें मेरा फेसबुक आईडी में सब चीज़ दिया हुआ है, कोई अगर चाहे, और कोई क्या, मैं चाहती हूँ मेरा जुड़े। हाँ, मेरा अपील है सभी से, देवघर से, देवघर के बाहर के लोगों से, कि आप लोग मुझे सहयोग कीजिए, आपका जो भी सेवा हम अगला तक पहुँचाएंगे सबके। मैंने मैं तो रोज लाइव करती हूँ। अच्छा। मेरा देवघर के बहुत सारे लोग हैं जो नहीं आ पाते हैं, लेकिन सहयोग दे रहे हैं, सहयोग दे, लेकिन इस उनके लिए हम मैं लाइव करती हूँ, क्योंकि वो देखे खुश हो, हाँ रीता राज कुछ कर रही है, मेरा जो भी सहयोग है वो अच्छे लोगों तक जा रहे हैं। तो बस यही मेरा अपील है कि आप लोग हमसे जुड़िए और हमें सहयोग कीजिए कि और कुछ लोगों तक हम ये खाना पहुँचाए, निःशुल्क सेवा, निःशुल्क पढ़ाई हम करवा सके। आज अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, कल जरूर है कि कुछ बनेगा, ऑफिसर बने, कुछ बने, तो अच्छा ना है, हमारा देवघर से कोई नाम करे, बस यही मेरा अपील है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और शायद आपसे अगर बात करते रह जाए तो वक्त का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपने जो जिंदगी जी है दूसरों के लिए जी है। एक अंतिम सवाल पूछेंगे, घर वालों का कितना सपोर्ट रहता है? घर वालों में मेरा हस्बैंड का तो 100% सपोर्ट रहता है, और साथ में बेटा बेटी या मेरा ससुराल वाले, मायके वाले। बेटा बेटी है आप? हाँ जी, बेटा बेटी नहीं। क्या उम्र हो रही होगी उन लोगों? उम्र है, सब बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका ज्यादा सपोर्ट रहता है, और मेरा ससुराल वाले, मेरे मायके वाले सब चाहते हैं कि हाँ तुम अच्छा काम कर रही हो, इसको करते रहो, सब खुश है, सब खुश। बहुत शुक्रिया, आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे रीता जी। तो ये रीता जी थी, और इस वजह से ये जो जर्नी आपने सुनी इनकी, और ख़ास करके लोगों को सहयोग करने की भावना, कहीं ना कहीं अगर 10 लोग वीडियो को देखेंगे तो कोई एक दो लोग तो ज़रूर जागृत होंगे कि भाई अगर हम खुद चेहरा बनकर सामने आकर के शारीरिक रूप से कहीं जाके किसी की सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह के ट्रस्ट वगैरह आसपास के जो भी लोग हैं वहाँ पे हेल्प करके, उनको सपोर्ट करके लोगों तक जो है अपना एक कोना जो है कमाई का वो पहुँचा सकते हैं, क्योंकि बगैर सद्भावना के कुछ भी नहीं है जीवन में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, यही अपील है। कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और ये वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा, ताकि इस तरह की वीडियोस हम लोग लाते रहें आपके सामने। शुक्रिया, मैं अपराजिता।